हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. असर्शन, कॉकरोचेस हैव अलैरे मसल्स. तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है. इसके बाद रीजन में दिया है कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ मेनी नोन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो ये हो जाता है इनकरेक्ट. ठीक है, कॉकरोचेस में कहाँ मिल रहा है अलैरे मसल, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये अलैरे मसल्स है. अलैरे मसल्स ये पेयर होते हैं ट्राइंगुलर फेंस लाइक मसल्स, जो आपको कहाँ मिल रहे हैं, हार्ट में. कॉकरोच के हार्ट में मिलते हैं ये मसल्स. ठीक है, अब यहाँ पर ये अलैरे मसल करते क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का, वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को. ब्लड फ्लो इसको रेगुलेट करता है, हेल्प करता है इन द सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच. ओके, तो यहाँ पर ये तो करेक्ट है कि अलैरे मसल होते हैं कॉकरोच में. फिर दिया है कॉकरोचेज आर वाइल्ड एंड आर ऑफ मेनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट. अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, बोथ assertion रीजन आर दी ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ये इनकरेक्ट हो जाता है. बोथ assertion एंड रीजन आर दी ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ये भी इनकरेक्ट है. assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट है. assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये इनकरेक्ट हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 113 पर गिवन है. थैंक यू.